कल एक समझ से खरीद का वाड़ी है ना, अब देख को फिर से वापस करें, कहना ले मेरे पैसे दे वापस। अच्छा। हाँ उनको चुपके दे दे, नहीं तो झगड़े के मारो करता उसने काम। भेदभाव है ना इसमें तो। हाँ अब नाम लिखवा दिया, अब मान लो यहाँ पे दुकानदारी हो रही थी लोगों की, उसमें होने की तो नहीं है। अब वो आ रहा कि ये तो मुसलमान की है, आगे से लेंगे, भेदभाव है तो। अजी आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी पहले, किया या नहीं किया? बस गलत किया जी। गलत किया। जी अब कावड़ चलेगी, हमारे पास कावड़ ये बहुत खाते थे पहले। अच्छा। अब क्या देखी जाएगी? कावड़ रूट पर सभी खाने पीने की दुकान वालों को अपने ढाबे हो या रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में अपना प्रोप्राइटर नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। इस आदेश का पालन मुजफ्फरनगर के लोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर तमाम जो खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पर जाकर देखा तो सभी इसका पालन करते हुए नजर आए और सरकार के इस फैसले से खुश भी नजर आए। अब मुजफ्फरनगर में इस वक्त मौजूद हूँ तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जिनकी दुकानें भी हैं और जिन्होंने आदेश का पालन भी कर लिया है, तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि सरकार के इस फरमान से वो कितना खुश। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। अहमद जी, जो सरकारी फरमान आया है प्रोप्राइटर नेम और नंबर लगाने का अपना मोबाइल नंबर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? गलत देखते हैं। क्या गलत है इसमें? हिंदू मुस्लिम और क्या हो, हिंदू मुस्लिम होगा इससे और क्या? आपको लगता है आपसी सौहार्द भाईचारा अभी आज तक के हमारी जिंदगी में हुआ नहीं? अच्छा, तो आज क्यों हो रहा है? पहले ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ अपनी जिंदगी में। क्यों ये फर्क पड़ रहा है आपकी ये दुकान है? हाँ फर्क तो पड़ेगा, कल एक समझ से खरीद का वाड़ी है ना, अब देख को फिर से वापस करें, कहना ले मेरे पैसे दे वापस। अच्छा। हाँ उनको चुपके दे दे, नहीं तो झगड़े के मारो करता उसने काम। अच्छा, मतलब नाम देख के सामान वापस? हाँ समझ से यही दुकान के सामने। हाँ अच्छा, बट उसमें तो बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है। बस पहले ले लिया, कहना ला मोबाइल में पैसे डाल दो, डाल दे, कहना ला मेरे पैसे वापस दे, समझ से ले अपने वापस। चुप कहीं दे दिया। आप भी यहीं के निवासी हैं? ये सरकारी जो आदेश है आपको लगता है कि ये बेहतर है कांवड़ियों के लिए? मतलब 10-12 दिन के भेदभाव है ना इसमें तो। भेदभाव होता है? हाँ अब नाम लिखवा दिया, अब मान लो यहाँ पे दुकानदारी हो रही थी लोगों की, उसमें होने की तो नहीं है। अब वो आ रहा कि ये तो मुसलमान की है, आगे से लेंगे, भेदभाव है तो। बिक्री पे फर्क पड़ रहा है? हाँ फर्क तो पड़ेगा कारोबार पे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। जावेद जी, आपको लगता है कि इस आदेश से कहीं ना कहीं जो दुकान वाले हैं इनकी बिक्री पे फर्क पड़ रहा है? जी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब ये जो आदेश आया इससे आपको लगता है कि आपसी सौहार्द वगैरह जो कह रहे हैं कि इस पे दिक्कत होगी, भाईचारा कम होगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे? देखिए ये तो पहले से चलता आ रहा है, ये अब से थोड़ा ही चलता आ रहा है, जब से मोदी की सरकार आई है जब से ऐसे चल रहा है। ये जब से मोदी की सरकार आई है जब से ऐसे ही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा विवाद बढ़ रहा है इसमें, इसमें भाईचारा जो है बहुत खत्म हो रहा है। अच्छा, इस सरकार में भाईचारा खत्म हो रहा है आपका कहना है? ठीक है, यहाँ पर और भी भाइयों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। हाँ ताहिर जी, सरकारी फरमान को कैसे देख रहे हैं? जी आज तक तो ऐसा हुआ नहीं पहले कभी, ये दुकान है मेरी, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे भी बोर्ड है, नहीं तो इसी नाम से। आपका तो सेम नाम से ही बोर्ड है जी, फिर भी लगवा के गए पुलिस वाले। ये हम सुन रहे हैं कि मतलब और बड़ा बड़ा अक्षरों में मतलब लिखना है, निचले पर प्रोपराइटर नहीं था लिखा हुआ, इस पे लिखा गया। अच्छा जी, प्रोपराइटर का नेम लिखना जी। अच्छा, तो बिक्री पे कोई असर पड़ा? बिक्री पे तो फिलहाल कोई असर ऐसा है नहीं क्योंकि कावड़ नहीं चली अभी। तो कावड़ नहीं चली जी। अच्छा। जब कावड़ चलेगी जब देखेंगे। अच्छा, ये जो आदेश है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि सरकार ने ठीक किया? अजी आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी पहले, ठीक किया या नहीं किया? बस गलत किया जी। गलत किया। जी अब कावड़ चलेगी, हमारे पास कावड़ ये बहुत खाते थे पहले। अच्छा। अब क्या देखी जाएगी? अब नहीं आ रहे। अब तो फिलहाल कावड़ ये है नहीं, नहीं थोड़ी बहुत अभी थे तो नहीं, अभी तो कोई आया नहीं। जब कावड़ चले, जब हमारे पास खावे हर साल खावे थे, अब की बार देखी जाएगी जैसा होगा। तब भी आपका नाम तो वही जो प्रोपराइटर नाम है आपको, मतलब ऑलमोस्ट आसिफ लिखा था, वाजिद जी, ताहिर हो गया और वाजिद, दो मालिक हैं हम दुकान के। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप बताइए, आप इस आदेश का पालन करते मतलब कि इसका स्वागत करते हैं? जी बस क्या, ये तो हमने पहली बार ही देखा है सर जी, 10 साल हमें भी हो गए ये काम करते करते, लेकिन पहली बार हमने ये देखा जिसमें हाल में बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं पहले, लेकिन फिर भी के प्रोपराइटर करो इस पर वो कर दिया, फिर बोले कि इस पर नंबर भी डलवाओ, मोबाइल नंबर वो भी डलवा दिया,
फिर बोले कि अब ये एक जगह ज्वाइंट करके दूसरा बोर्ड इस तरीके का बनवाओ, तो फिर ये बनवा के लगवाया दूसरा। आप कुछ कह रहे थे इससे, इसमें हिंदू मुस्लिम के उसमें भाईचारे में फर्क पड़ेगा लगता है सर जी। और चाचा क्या नाम है आपका? इरशाद नाम है जी मेरा। इरशाद जी, सरकारी फरमान का पालन कर रहे हैं, आपकी दुकान है यहाँ? नहीं, हमारी अच्छा दुकान नहीं। अच्छा, ये जो आदेश है इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो बहुत गलत देख रहे हैं जी इसको। अच्छा, क्या गलत है? गलत ये है कि इस पर फर्क पड़ेगा भाईचारे में, बिक्री में फर्क पड़ेगा। समझदार इंसान है, उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, और जो ना समझ लोग तो फर्क तो पड़ेगा ही। कुछ जिसकी जो अनभक्त आदमी है ना, उस तो फर्क पड़ेगा 100%। जबकि ये लोग मेरी दुकान ही है, जबकि ये लोग जो कपड़ी है ना, उससे भी अगर 10 रुपये का फर्क रहे ना, तो 5 रुपये की देने की कोशिश करे। अच्छा। कम से कम प्राइस में, ताकि क्योंकि ये सफ़र करने वाले एक बजट हिसाब लेकर चले। और दूसरी बात यह है कि अगर मानने के बाद आपने, तुमने देखा होगा एक आरिफ नाम से फल, वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इसका मतलब अगर उस पर रखे फल मुस्लिम के ठेले पर, मुस्लिम फल थोड़े ना होगी वे, है ना जी? तो इस चीज़ से मैडम बहुत फर्क पड़ेगा। आप क्या कहना, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव पे इसका असर डालने के लिए एक ध्रुवीकरण का जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। अब इसे राजनीति से जोड़ के देखते हैं। मैं तो यही सोच के देखता हूँ, बाकी तो हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, कोई इसमें अलग अलग तो है नहीं, सभी एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एक दूसरे के कारोबार में भी सहयोग करते हैं और एक साथ बैठ के खाते भी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं रहते हैं, सब मिलके यहाँ पर खाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका यही यहाँ पर कहना, साथ साथ यहाँ पर जो सरकारी फरमान है इसको लेकर यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की है, तो इनका यही कहना है कि जो सरकारी आदेश है ये ठीक नहीं है, इससे पहले कभी इस तरह का आदेश नहीं देखा है, और इस फैसले से कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा कम होगा और बिक्री भी कम होगी।